मदर और फादर के ब्लड ग्रुप की वजह से बेबी की जान पे बना सकती हैं? वेल, दिस इज ट्रू फॉर अ डिजीज कॉल्ड एज हीमोलाइटिक न्यूबॉर्न डिजीज, जिसे हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के नाम से भी जानते हैं। वेल, इस केस में यही होता है। अगर हीमोलाइटिक इस वर्ड को आप स्प्लिट करें तो आपको दो वर्ड्स मिलेंगे, हीमो फ्रॉम ब्लड एंड लाइटिक दैट मींस डिस्ट्रक्शन। वेल, इस डिजीज में एग्जैक्टली यही होता है, आरबीसीज जो होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है फीटस स्टेज में। वेल, ऐसा क्यों होता है उसके पीछे की कहानी जानने के लिए शुरुआत से जानते हैं। एक कपल कंसीडर कर लीजिए आप, जिसमें से जो मदर है दैट मदर एच आर इज नेगेटिव, फादर जो है ही इज आर एच पॉजिटिव। वेल, अब इस मदर ने कंसीव कर लिया है, मदर के वूम में जो बेबी है उसने फादर का आर एच ग्रुप ले लिया, दैट मींस बेबी जो है वो आर एच पॉजिटिव है, मदर आर एच नेगेटिव है। वेल, इस स्टेज में इस बेबी को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मदर आर एच नेगेटिव है, उसकी बॉडी में किसी भी प्रकार के एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है फॉर आर एच एंटीजन। लेकिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन डिलीवरी के टाइम पे इट इज पॉसिबल, इट इज एक्चुअली एक्सीडेंटली पॉसिबल कि जो बेबी का ब्लड है वो मदर की बॉडी में लीक हो जाए। वेल, ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा होगा तो वो ब्लड जो रहेगा वो मदर की बॉडी एंटीजन कंसिडर करेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगी। दैट मीन्स अब मदर की बॉडी में आर एच फैक्टर के लिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अब कंसीडर कीजिए कि इस फीमेल ने दोबारा कंसीव किया, एंड अगर इसका बेबी आरएच नेगेटिव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उस बेबी में कोई आरएच एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। बट जस्ट इमेजिन सेकेंड बेबी भी आरएच पॉजिटिव ही था। अगर ऐसा हुआ तो उस बेबी के ब्लड के ऊपर, उसके आरबीसीज के ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट रहेगा और मदर की ब्लड में आरएच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अगर मदर का ब्लड इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फीटस, तो फीटस की बॉडी में जो आरबीसीज है जिनके ऊपर क्या है आपका आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, वो एंटीबॉडीज उन एंटीजन्स के साथ इंटरैक्ट करेगी, एंड वी नो एंटीबॉडीज क्या करती है, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है और उस सेल को डिस्ट्रक्ट करती है, राइट, उस सेल को डिस्ट्रक्ट करने में मदद करती है। तो ये एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ होने वाली है कि मदर की बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो बेबी के बॉडी में प्रेजेंट ब्लड के ऊपर जो एंटीजन्स है उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसे डिस्ट्रक्ट करेगा। इसी को हम कहते हैं हीमोलाइसिस, जो कि फीटल स्टेज में होता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। नाउ ये जो कंडीशन है इट कैन बी फीटल, बेबी जो है उसकी डेथ भी हो सकती है, एंड इन माइल्ड केसेस बेबी को एनीमिया भी हो सकता है, सीवियर और जॉन्डिस भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस।